नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। अभी मैं मौजूद हूँ मोराबादी के गेस्ट हाउस में, जहाँ पर सूर्य सिंह बेसरा ने 1932 खतियान की आगे की रणनीति तैयार करने के लिए एक प्रेस वार्ता रखा। आइए इनसे जानते हैं इस प्रेस वार्ता में क्या रणनीति तैयार हुई। कि विगत 2-3 महीना से खतियानी आंदोलन शुरू हुआ और बजट सत्र 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक चली। इस दरमियान हेमंत सरकार ने अपने नियत और नीति स्पष्ट कर दी कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के पक्ष में नहीं है। और ये भी उन्होंने चेतावनी दिया, जनता की आशा आकांक्षाओं को ठुकराते हुए उनको ये भी कह दिया कि खतियान के आधार पर कभी भी स्थानीय नीति नहीं बनेगा। उसका जवाब में हमें ये कहना है, 1982 में अविभाजित बिहार ने जो एक स्थानीय नीति तय किया था, जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ 1982 में, और इस क्षेत्र में भी एक ही बिहार में एक ही राज्य में स्थानीय नीति तय था, उसमें ये लिखा था कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम अंकित है या पूर्वजों का नाम है, उन्हीं व्यक्ति को ही उस जिला के मूल निवासी स्थानीय माना जाएगा। ये नया नियम नहीं, 1982 में बिहार में। तब जब एक सर्वे सेटलमेंट खतियान के आधार पर अविभाजित बिहार में बन सकता है और आज भी बिहार में लागू हुआ है, लेकिन बड़ा विडंबना बोला जाए कि दुखद आश्चर्य का विषय बोला जाए कि हेमंत सोरेन ने कह दिया कि खतियान के आधार पर नहीं बनेगा। इस संविधान को मैं हवाला देते हुए कहना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग है, 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन आर्टिकल जो प्रोविजन है 371 में प्रोविजन है, पंजाब से लेके नागालैंड और आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना, ये तमाम राज्यों का कमाबेश, ये 28 राज्यों का ये प्रोविजन किया गया। 22 वर्षों के अंदर में इस संविधान में झारखंड का विधि सम्मत कोई चीज नहीं बनाया गया। इस संविधान में उल्लेखित है कि राज्य स्तरीय ऐसे कानून कि वहाँ के जनहित में जल, जंगल, जमीन, स्थानीयता, रिजर्वेशन ऐसे मामले में जो विधानसभा से पारित होता है, उनको केंद्र सरकार के यहाँ भेजी जाती है और वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के 9वें अनुसूची में 9 शेड्यूल में से लिपिबद्ध हो जाता है। लेकिन आज तक ना तो 371 का कोई कानून इस राज्य में बना के इस संविधान में सूचीबद्ध किया गया, ना तो भारत का संविधान में 9 शेड्यूल में किया गया। और तो और, विधायक लोगों को विधानसभा में संविधान के अनुच्छेद 210 में प्रावधान है कि माननीय विधायक सदन में अंग्रेजी और हिंदी से अगर परहेज करते हैं और अपने मातृभाषा से अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो भारत का संविधान 210 में इजाजत देता है कि अपना मातृभाषा में अभिव्यक्ति कर सकता है। भारत का संविधान में 210 में है। ये भी इन 11 बार सरकार बनी, 5 बार चुनाव झारखंड हुआ, कि आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि कोई कोठा में विधायक नहीं बोला, कोई संथाली में नहीं बोला, कोई मुंडारी में नहीं बोला, पंच परगना में बोला। झारखंडी भाषाओं को अवहेलना करने का आरोप इन निर्वाचित विधायक पे लगता है। और तो और, इस संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 350A में, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरीली। और यही कानून लग के बंगाल में 1905 में बंगाल बना, KG to PG बांग्ला में पढ़ाई, वहाँ कहीं भी ढूंढने से हिंदी नहीं मिलेगा। और यही प्रावधान 1936 में उड़ीसा अलग राज्य बना, उड़ीसा में उड़िया में KG to PG तमाम सरकारी थाना में पुलिस में उड़िया ही उड़िया है, वहाँ हिंदी नहीं है। यहाँ हिंदी क्यों थोपी गई 22 वर्षों में? हिंदी राष्ट्रभाषा है, आदिवासी मूलवासी का भाषा, झारखंडी का मातृभाषा नहीं है। हम कदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदी सबकी मातृभाषा होती तो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं हिंदी नहीं है। तो ये राजपथ चलाने का नियम नहीं है।
दूसरी बात है भाषा नीति नहीं बनाना, नियोजित दिन नहीं बना। उनको ये मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध इस संविधान में है, आर्टिकल 371D में है। कहा गया है कि जितना भी सिविल सर्विस स्टेट, जैसे झारखंड पब्लिक सिविल सर्विस में टॉप टू बटम, नॉट थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड, आंध्र प्रदेश में जो वहाँ की मूल निवासी है केवल आंध्र प्रदेश के मिलेगा, ना गुजरात को मिलेगा ना उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ये झारखंड सबके लिए फाटक खुला हुआ है क्या? बिना दरवाजा का घर झारखंड है, बिना गेट का ये झारखंड है, सबके लिए ओपन है क्या? झारखंड पर झारखंडी, हुआ झारखंडी, कौन मूलवासी? ये आज ये लड़ाई के बाद क्या रणनीति बनेगी, मैं संविधान के बात को कहा, यानी आज तक नीतिगत फैसला 22 वर्षों में नहीं हुआ, ये विडम्बना है, आश्चर्य की बात है। हम युवा पीढ़ियों को अपील करना चाहते हैं, मेरे बारी थी 1986 से 89, मैंने 3 साल का ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन खुद बनाया और 3 साल के अंदर में 20,000 सेना तैयार किया और आज 72 घंटा झारखंड बंद, 3 दिन में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर एंड बूटा सिंह एंड पी चिदंबरम एंड संतोष देव ऐसे सेंट्रल मिनिस्टर और बंगाल के ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा के जेबी पटनायक चीफ मिनिस्टर और उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार के जो है सत्येंद्र नारायण सिन्हा चीफ मिनिस्टर, 89 में मैंने 4-4 मुख्यमंत्री से मेरे लीडरशिप में दिल्ली में वार्ता की और मैंने 50 साल का इतिहास को दशा बदल दिया, दिशा बदल दिया, काया पलट किया। यही सूरज सिंह बेसरा जो एग्रीमेंट किया और विधानसभा में लालू ने जब ललकारा अभिभाजित बिहारे मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, रिश्वत 1 करोड़, परिषद ले लो, रिश्वत ले लो, मैंने रिश्वत को ठुकराया, परिषद को ठुकराया और 5 साल का विधायक, 1990 में मैं विधायक चुना गया था, हिस्ट्री, इतना वोट नहीं मिला आजादी के बाद, वही सूरज सिंह बेसरा घाटशिला से इतना वोट से एकमात्र आइसू का एमएलए और लालू के विधानसभा 324 एमएलए बीच में मैं सदन अकेले चलने नहीं दिया और अंततः गतवा बोला बिहार टुकड़ा नहीं होगा, मेरे लाश पर झारखंड बनेगा और मैंने अपने कुर्सी को लात मारा और विधायक पद को इस्तीफा देने वाले आज मैं किंग बनना नहीं चाहता हूँ। ये वर्तमान ये किंग बेकार है और मैं किंग मेकार बनना चाहता हूँ। हेमंत सोरेन ये किंग बेकार है, इसीलिए सूरज सिंह बेसरा किंग मेकार बनना चाहता है। मैं नौजवान को सामने करके उनके हाथ में 2024 में झारखंड का तस्वीर बदलने का सपना देख रहा हूँ। तो आपने सुना कि इनकी आगे की क्या रणनीति होगी। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।